तो गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा उस वीडियो को दोस्तों फर्स्ट बार इस भाई ने बनाया है। जैसे ही दोस्तों इस भाई ने इस वीडियो को बनाया है, मैं गाइस देख रहा हूँ कि इस वीडियो में दोस्तों अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और उनके दोस्तों लाइक्स भी अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। तो गाइस आप भी अगर कुछ इस ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कुछ इस तरह का वीडियो बनाते हो तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपका जो वीडियो है वो वीडियो वायरल हो जाए या फिर आपको उस वीडियो में लाइक्स और फॉलोअर आने के आपको चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो गाइस आपको अगर कुछ इस तरह का वीडियो बनाना सीखना है तो मेरे इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान देके देखना होगा, क्योंकि गाइस आप अगर मेरे चैनल के एक रेगुलर व्यूअर हो तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक आपके भाई को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि गाइस वो भी कुछ इस तरह के यूनिक कॉन्टेंट का दोस्तों वीडियो बना के टिकटॉक में कुछ लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सके। गाइस अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके और हमारे YouTube चैनल JSR कलौंडा में। गाइस अगर आप मुझे बगते हुए पहली बार सुन रहे हो या फिर मेरे चैनल पर दोस्तों आप पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके दोस्तों आप ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि गाइस मैं कुछ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। गाइस इस तरह का वीडियो बनाने के लिए जो आपको बिहाइंड द सीन शूट करना है दोस्तों आपको यहां पर देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से सॉन्ग को प्ले करके दोस्तों मेरा जो एक्टिंग है दोस्तों मैं यहां पर कर रहा हूं। आप भी गाइस कुछ इसी तरह से अपना एक्टिंग कर लीजिएगा, मुझे पता है दोस्तों मेरे से अच्छा आप एक्टिंग कीजिएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल काइनमास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। तो गाइस चलिए आप अपने स्मार्टफोन के काइनमास्टर को ओपन कीजिए, मैं दोस्तों यहां पर जाके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइनमास्टर एप्लीकेशन है दोस्तों उसको मैंने ओपन करके रखा है। अब गाइस आपको जो बीच में ये न्यू एक्टिव फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले न्यू एक्टिव फाइल में फ्रेंड्स आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के तीन एक्सपेक्ट रेशियो आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस जो आपको एक्सपेक्ट रेशियो सिलेक्शन करना है वो है आपका 9:16 का। आपको गाइस 9:16 एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करके अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा काइनमास्टर एप्लीकेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले मीडिया फ्रेंड्स आपको क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जैसा मैंने बिहाइंड द सीन मेरा वीडियो को शूट करके आपको दिखाया है, आप दोस्तों जो अपना वीडियो शूट किए हो उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आप सिलेक्शन कीजिएगा। मेरा दोस्तों जो रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो है उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपके अपने वीडियो के ऑडियो को आपको कुछ इस तरह से आपको बंद कर देना होगा। कुछ इस तरह से बंद कर देने के बाद गाइस आप कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आइएगा, आपको ये लेफ्ट साइड में सेटिंग दिख रहा होगा देख सकते, इस वाले सेटिंग में फ्रेंड्स आपको क्लिक करके इसका ऑडियो फेड आउट को आपको बंद कर देना होगा। ऐसा करने से दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कहा है कि मेरा जो वीडियो है दोस्तों उसमें एंडिंग में साउंड कम हो जाता है, तो गाइस उसको करने से आपका जो साउंड है वो कम नहीं होगा। अब गाइस आप क्या कीजिएगा, आप दोस्तों इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा जहाँ पर गाइस मैंने उस वीडियो को लिंक दे के रखा है जिस वीडियो को फ्रेंड्स अभी इसके ऊपर आपको लगाना होगा। तो अगर दोस्तों मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये वीडियो डाउनलोड नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप मेरे टिकटॉक आईडी से भी इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो टिकटॉक आईडी है दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा। डाउनलोड करके आपको उस फाइल को सिलेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, जो आपको राइट साइड में जो ये लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, इस वाले लेयर में आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीडिया का, आपको इसी वाले मीडिया में क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा दोस्तों। और यहाँ से गाइस आपको लड़की के ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो आपको सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़की का ग्रीन स्क्रीन का वीडियो है दोस्तों उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब गाइस आप इस वाले एरो में पकड़ के कुछ इस तरह से इसको फुल स्क्रीन में कीजिएगा। फुल स्क्रीन में कर लेने के बाद गाइस आपको जो ये ग्रीन स्क्रीन दिख रहा होगा आपको इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए आपको जो राइट साइड में ऑप्शन सब दिख रहा होगा देख सकते हैं, इसी ऑप्शन का अगर आप स्क्रॉल करके नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक कोरमाकी का ऑप्शन दिखेगा। आपको गाइस इस वाले कोरमाकी में क्लिक करके दोस्तों आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पर इनेबल करेंगे आपका जो पीछे का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर दिखने लगेगा। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको गाइस आपको अपना वीडियो को प्ले करके देखना है। तो गाइस चलिए मैं अपना वीडियो का भी प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से आप कितने आसान तरीके से गाइस आप इस तरह का वीडियो बना के दोस्तों टिकटॉक में लाइक्स और फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों लेफ्ट साइड में जो ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस वाले शेयर में आपको क्लिक करके आपको अपना फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आपको पता है अभी क्या करना है। तो गाइस बिना किसी देर के चलिए वीडियो पर अभी एंडिंग लगाते हैं।